जो सर्वर में जो टर्मिनल मिरर होती है वो भी सिखा दिया था, और जो ब्राउजर में होता है ये भी बता दिया था। फिर आगे 4 चैप्टर पढ़ने के लिए दिए थे। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा याद दिला दिया कि 4 चैप्टर जो है ना पढ़ने के लिए मैंने दिए थे आप लोगों को। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने जो वो 4 चैप्टर हैं उसको एटलीस्ट रीड कर लिया होगा और होपफुली उसको चला के भी देख लिया होगा सब लोगों ने। तो अब हम ज़रा चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ। अच्छा, उससे पहले लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ की थी, हेलो वर्ल्ड जो हमने चलाया था, अलर्ट चला कर देखा था, क्या इस क्लास में कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक वो नहीं चलाया या उसको समझ में ना आई हो कोई चीज़, या कोई उसका ऐसा सवाल हो जो पिछली क्लासेस जो अब तक हो चुकी हैं उससे मुताल्लिक कोई किसी का अगर सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ ले। कोई है जिसका कोई सवाल हो? सर, चलिए नोट 12 डाउनलोड कर लिया, उसके बाद से हमारा ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। नॉट जी एस आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बावजूद भी हेलो वर्ल्ड आपका नहीं चल रहा है, तो कोई एरर आ रहा होगा, कुछ कोई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्या जो जो मैंने जो स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया था, तो मैंने जिस तरह किया था आपके पास वैसा नहीं हो रहा है ऑफ कोर्स, तो कहाँ पे वो फ़र्क आ रहा है? सर, इसमें हम लोग ये कह रहे हैं ना, डिबग हो रहा है, डिबग करंट आ रहा है, नॉट शेयर वॉल्यूम फाइल डिटेक्टेड। अच्छा, क्या अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो? एक मिनट सर। आपकी स्क्रीन शेयर हुई नहीं है अभी तक। स्क्रीन शेयर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ, मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ। यार, ये चैट में जो रोल नंबर लिख के भेज रहे हो ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है चैट में रोल नंबर लिखने की। वो क्योंकि अटेंडेंस मैंने वो मार्क कर ली है आपकी ऑलरेडी। चलो, मैं कोशिश करूँगा एक अटेंडेंस ना लास्ट में भी कर लूँ, ठीक है? असल में दोनों अटेंडेंस में मैच करके फिर हम कर लेंगे कुछ। वेल, कोई यार अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा था, पता नहीं शायद वो डिसकनेक्ट हो गया। वेल, तो फिर हम एक काम करते हैं, फ़िलहाल के लिए हम शुरू करते हैं अपना VS कोड। पहले तो मैं ओपन कर लेता हूँ, और VS कोड में हमने जो कहाँ गया वो भला, 2A। अच्छा, ये कोड मैंने पुश नहीं किया था लास्ट क्लास का, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं कि कोड नहीं पुश किया। गिटहब में जाके देखते भी हो या नहीं देखते हो तुम लोग? अच्छा, एक चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ मैं, ये github.com, ये मैं अपनी प्रोफाइल भेज रहा हूँ तुम लोगों को, सही है? सब लोग इसको फॉलो कर लो, ठीक है? अभी मेरे पास 620 फॉलोअर इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब लोग इसको फॉलो कर लो भाई, ताकि जो है ना, ये मैंने चैट में लिंक भेज दिया। प्रोफाइल ओपन करके ना यहाँ साइड में फॉलो का बटन आ रहा होगा, फॉलो का बटन प्रेस कर दो, ताकि मैं कभी भी कोई कोड पुश करूँ ना, जैसे मैं क्लास में कोड लिखता हूँ, अगर मैं सम टाइम भूल जाता हूँ क्लास में, तो मैं रात को भी पुश करता हूँ अगर, या अगले दिन पुश करता हूँ, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी,
ठीक है, github.com की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, वो भी इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में अगर पॉसिबल है तो। जल्दी जल्दी सब लोग इसको फॉलो कर लो। अभी मेरे पास 620 शो हो रहे हैं, और इस क्लास में कितने लोग हैं, 44 लोग हैं, तो 620 को अगर हम प्लस करेंगे 44 से तो 660 हो जाने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले से भी उन्होंने मे भी किया हुआ होगा फॉलो। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो फॉलो कर लो। अच्छा, दूसरा ये मैं तुम्हें एक और भी लिंक दे रहा हूँ जो यूट्यूब वाला, वो तो तुम लोगों के पास पहले से ही है ऑलरेडी। जम 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 ये जो था ना, ये प्लेलिस्ट वाला, ये मैंने तुम लोगों को चैनल का भी लिंक दे दिया, इसको भी सब लोग जो है ना वो लगा लो, सब्सक्रिप्शन लगा लो। जैसे क्लास की मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके जब डालता हूँ ना, तो वो जाहिर है जब अपलोड करते हैं तो वो फ़ौरन नहीं अपलोड होती। एक तो अपलोड होने में टाइम लगता है क्योंकि जाहिर है साइज़ बड़ा होता है रिकॉर्डिंग का, दो दो घंटे की क्लास होती है हमारी। फिर दूसरा ये यूट्यूब उसको प्रोसेस करता है, तो सम टाइम 6-7 घंटे भी करता है प्रोसेस उसको। तो वो जैसे ही वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है ना, तो वो फिर नोटिफिकेशन जाता है सारे सब्सक्राइबर के पास कि भाई ये वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो चढ़े ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, तो अब हम जो है ना आगे चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, और मैं बना लेता हूँ एक नया फोल्डर जिसका हम नाम रखते हैं 6 वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स मैंने नाम से एक फोल्डर बना लिया। अच्छा, और इस वेरिएबल्स के फोल्डर के अंदर मैंने कहा index.html एक फाइल बना ली, क्योंकि हम अभी जो फंडामेंटल पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के, इसमें हम कौन सी सर वाली। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर मेरी नहीं है, मैं कर देता हूँ सर, स्क्रीन शेयर। हाँ, मुझे बता दिया करो, मैं सम टाइम भूल जाता हूँ स्क्रीन शेयर करना। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया, और उसमें मैंने index.html की फ़ाइल बना दी। अच्छा, index.html की फ़ाइल मैंने इस वजह से बनाई है क्योंकि हम जो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के, वो हम ब्राउज़र वाली जावा स्क्रिप्ट के साथ पढ़ेंगे, ताकि इसका भी थोड़ा एक्सपोजर हो जाए। फिर हम जब सर्वर्स की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम MJS वाली जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, मॉड्यूल JS वाली। ठीक है, ताकि उसका भी थोड़ा एक्सपोजर हो जाए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी H1 वेरिएबल्स, राइट। और हेडिंग लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक टैग लगा दिया, और ये जो स्क्रिप्ट का टैग होगा मेरा, इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं अपनी तमाम की तमाम जावा स्क्रिप्ट लिखूँगा। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल्स है, तो हम साथ साथ बुक भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बुक भी मैंने ओपन कर ली, और इसमें हम वो वाला चैप्टर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने ये अलर्ट तो हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद जो है वो वेरिएबल का चैप्टर है। अच्छा, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल फॉर नंबर, ये दो हमारे चैप्टर हैं। और फिर वेरिएबल के नाम में क्या क्या वेरिएबल के नाम हो सकते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। अच्छा, बुक में ना हमारे पास जो तरीका बताया हुआ है वेरिएबल बनाने का, वो ये तरीका है, वार नेम इक्वल्स टू, और कोई भी मैंने नाम रख दिया मलिक। ठीक है, ये एक वेरिएबल बन गया। अच्छा, वेरिएबल क्या चीज़ होते हैं भाई, वेरिएबल नाम पहले समझते हैं हम, कि वेरिएबल अंग्रेजी में वेरिएबल हम किस चीज़ को कहते हैं, लफ्ज़ वेरिएबल का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है, कौन ये बताना चाहेगा आप में से। ओपिनियन, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है। जब लफ्ज़ वेरिएबल आपके सामने नाम लिया जाता है, तो इससे क्या समझ आता है आपको, अंग्रेजी में वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं हम, जो चीज़ चेंज हो सके, वेरी कर सके, जो चीज़ वेरी करती है। ठीक है, जो चीज़ कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है। अच्छा, एग्जांपल, कोई रियल लाइफ की एग्जांपल, क्या ऐसी चीज़ है रियल लाइफ में जो वेरिएबल होती है सर, एज, टेम्परेचर, एज, ऐसी चीज़ जैसे पंखे की स्पीड, ये पंखा चल रहा है ऊपर,
इसकी स्पीड भी वेरिएबल है। मैं पंखे का वो घुमा देता हूँ जो इसका डिमर डिमर कहते हैं, उसको मैं घुमा के कम करता हूँ स्पीड, तो स्पीड कम हो जाती है, घुमा के बढ़ा देता हूँ स्पीड तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल, ये दो वर्ड्स मिले हुए हैं आपस में। ठीक है, एक तो वेरी करना, वेरी करने का मतलब है ऊपर नीचे होना, और वेरिएबल कि कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप को ऊपर नीचे करने के काबिल हो, या कोई चीज़ ऐसी हो जिसको ऊपर नीचे किया जा सके। ठीक है, तो वेरिएबल ये दो वर्ड्स का मुरक्कब है एक्चुअली। ठीक है, एबल का मतलब होता है कि कोई भी बंदा किसी काबिल होता है तो उसको हम कहते हैं एबल। ठीक है, आई एम एबल टू डू दैट, आई एम एबल टू ड्रिंक, ठीक है, आई एम एबल टू ईट, कि मैं पीने की सलाहियत में रखता हूँ। तो जो भी चीज़ वेरी करने की सलाहियत रखती है दैट इज़ कॉल्ड वेरी एबल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा प्रोग्रामिंग की तरफ, कि भाई प्रोग्रामिंग में वेरी एबल का क्या मतलब होता है। प्रोग्रामिंग में, अच्छा, वेरिएबल ऐसी चीज़ है जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है। ठीक है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, वेरिएबल जितनी भी आज तक मैंने एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी हैं उन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल होता है, वेरिएबल के बगैर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली जो अभी हम बात पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में, वो हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ज़ाहिर है वेरिएबल को बनाने का तरीका अलग होगा लेकिन वेरिएबल मौजूद होंगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं अब ये भी आपको बताता चलूँगा साथ साथ, जैसे हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे जिक्र किया कि वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, किसी ना किसी लेवल पर वेरिएबल होते हैं। तो इसी तरह जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि ये क्या सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है या सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अब वेरिएबल जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप उसको इमेजिन कर लें एक बॉक्स है। ठीक है, अच्छा क्या है इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले है वार। ठीक है, वार एक कीवर्ड है, जैसे कि हमने देखा था कि जब ह्यूमंस आपस में बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज को मुख्तलिफ वर्ड्स को मिला के जुमला बनाते हैं, तैयार करते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ कीवर्ड्स को मिला के एक स्टेटमेंट पूरी तैयार करते हैं, एक जुमला तैयार करते हैं, और उस स्टेटमेंट को देख के कंप्यूटर को समझ में आता है कि अच्छा यार मुझे क्या करना है। ठीक है, तो इसी में सबसे पहला जो कीवर्ड आया वार, वार का मतलब है जावास्क्रिप्ट को समझ में आ गया कि अब मुझे एक वेरिएबल तैयार करना है। उसके बाद वेरिएबल का नाम, अभी मैंने सिर्फ ये नेम, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यूज़र नेम ऐसे भी लिख सकता, मेरी मर्ज़ी का कोई भी एक नाम। ठीक है, अब मैं क्या क्या नाम रख सकता हूँ वो अभी आगे चैप्टर में आ जाएगा, मेरी मर्ज़ी का कोई भी एक नाम इक्वल्स टू, अब ये वेरिएबल का नाम तो रख दिया, अब इस वेरिएबल के अंदर क्या रखना है, तो इक्वल्स टू करके ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है इक्वल्स टू जो है, और उसके बाद एक वैल्यू मैंने दे दी मलिक। ठीक है, अच्छा पहले हम करते थे ना अलर्ट, अलर्ट में यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया पहले, हम ये कर चुके हैं हम लास्ट टाइम। इससे क्या होता था, एक हेलो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता था, एक हेलो स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाता था। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस हेलो को रोक देता हूँ और अब मैं बोलता हूँ अलर्ट यूज़र नेम। तो अब क्या आएगा अलर्ट के अंदर, कौन मुझे बता सकता है, अब अलर्ट की जो विंडो खुलेगी उसमें क्या आएगा, मलिक आएगा सर, मलिक आएगा उसके अंदर। अच्छा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, जाहिर है जैसे पंखे की स्पीड मैंने बताया वेरिएबल है, लेकिन अभी कोई ना कोई स्पीड है ना उसकी, अभी पंखा जो है 50% स्पीड में चल रहा है मिसाल के तौर पे। तो ये जो एक वेरिएबल है इसको आप एक बॉक्स समझ लें, इसकी एक करंट वैल्यू मौजूद है और वो करंट वैल्यू है मलिक, तो यहाँ पे मलिक अलर्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है तो कल को अगर यूज़र नेम के अंदर कोई मलिक के अलावा कोई दूसरी वैल्यू हुई तो वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेक सेंस हो रहा है कि व्हाट डज इट मीन बाय वेरिएबल, के ये अलर्ट जो है ना पहले कराता था फिक्स हेलो करवाता था यहाँ पे, लेकिन अब ये अलर्ट क्या करवाएगा, कभी कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा कभी कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा डिपेंडिंग ऑन के इस वेरिएबल के अंदर इस वक्त क्या वैल्यू मौजूद है। तो इतने कोड को हम पहले चला के देखते हैं, कॉपी पाथ, और यहाँ पे मैं आके पेस्ट करता हूँ, तो देखो अभी मलिक प्रिंट हो गया। अच्छा, अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वेरिएबल है तो इसका मतलब है इसको वेरी कराने का या वेरी करने का कोई तरीका होगा,
इसका तरीका ये है कि मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा इक्वल्स टू करके एक नई वैल्यू दे दूंगा इसको, मैं जॉन दे दिया मैंने। इस पॉइंट पे जब ये वेरिएबल बना था तो इसके अंदर वैल्यू थी मलिक। लाइन नंबर 17 में इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया गया मेरी जानिब से, जो डेवलपर हूँ मैं मेरी जान, तो मैंने अब इसके अंदर रख दिया जॉन। तो अब जब लाइन नंबर 21 में पहुँचेगा ना, तो इस यूज़र नेम का नाम का जो वेरिएबल था इसकी करंट वैल्यू क्या होगी? जॉन होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, पहले मलिक थी, जॉन हो गई उसके बाद, तो यहाँ पे क्या अलर्ट में प्रिंट हो जाएगा? जॉन। तो अब देखो अलर्ट की लाइन चेंज नहीं हुई, अलर्ट की लाइन बिल्कुल वही है जो पहले थी, लेकिन अब इसमें मलिक प्रिंट नहीं होगा, अब इसमें जॉन प्रिंट होना चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, देखो जॉन प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ वेरिएबल, कि जिसके अंदर कोई वैल्यू रखेंगे हम और वो वैल्यू बाद में चेंज भी हो सकती है, ठीक है, चेंज हम ही करेंगे या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा होगा कि वेरिएबल चेंज होगा कैसे, वो हम तो सीखते रहेंगे कि वेरिएबल को किस किस मुख्तलिफ तरह से चेंज करवा सकते हैं, वो हम थ्रू आउट द कोर्स सीखते रहेंगे। अच्छा, तो अब आप क्या इमेजिन करेंगे कि वेरिएबल जो है ना, मैं ड्राइंग की एक ऐप खोल लेता हूँ, मैं ड्राइंग की ऐप खोल लेता हूँ वेरिएबल को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। खुल जा सिमसम, अच्छा तो अब आप समझ लें कि वेरिएबल जो है ना वो क्या है, वो एक अदद एक डब्बा है, वो अब इस डब्बे के अंदर ना एक वैल्यू यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, राइट नाउ एक वैल्यू इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, इस डब्बे के अंदर है ये एक्चुअली, ठीक है, ये इस डब्बे के अंदर ये वैल्यू मौजूद है, ये इस डब्बे के अंदर एक वैल्यू है। अब आप कह रहे होंगे ये कैसी वाहियात किस्म की वैल्यू है, लेकिन बस ये है कुछ है, ठीक है, ये वैल्यू एक स्माइलिंग फेस भी इसको बना देते हैं, ठीक है, ये एक वैल्यू है इस डब्बे के अंदर है ये। अच्छा, इस डब्बे की जो कैपेसिटी है ना वो इतनी है कि इसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू ही रह सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, मलिक, मलिक इज़ वन वैल्यू। अच्छा, अगली लाइन में जब मैंने कहा है कि यूज़र नेम इक्वल्स टू जॉन, तो अब सवाल ये है कि भाई मैंने इसमें जॉन तो रखवा दिया, इसकी कैपेसिटी एक वैल्यू की, तो ये पुरानी वैल्यू कहाँ गई मलिक, ठीक है, पुरानी वैल्यू कहाँ गई, तो पुरानी वैल्यू जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है और उसकी जगह पे क्या आ जाती है, एक अदद न्यू वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब ये पुरानी वैल्यू जो डिलीट हो गई ना, ये जैसे यूज़र नेम इक्वल्स टू मलिक लिखा हुआ था मैंने, अब यूज़र नेम में मलिक सेव था, ठीक है, अभी अगर इस पॉइंट पे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे मैंने इसको कॉन्सोल करवाता हूँ, अगर मैं यूज़र नेम मैंने ये कॉन्सोल करवा दिया, ठीक है। अच्छा, कॉन्सोल करवाएंगे हम, अलर्ट नहीं करवाएंगे, सही है, अलर्ट जो है ना ब्रेकिंग कोड होता है, ब्लॉकिंग कोड होता है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे अब हम कॉन्सोल डॉट लॉक करवाएंगे। अच्छा, तो अगर इस पॉइंट पे मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, स्क्रीन पे प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पे मलिक प्रिंट होता है, लेकिन बाद में जब मैंने इसको चेंज कर दिया, जॉन कर दिया, तो फिर ये जॉन प्रिंट होगा। तो अब सवाल ये है कि जब ये जॉन मैंने इसमें रखवाया तो पुरानी वैल्यू कहाँ गई, तो जवाब उसका ये है कि पुरानी वैल्यू क्या हो गई है, परमानेंटली डिलीट हो गई है और उसकी जगह पे एक नई वैल्यू आ गई है, एक वक्त में दो वैल्यू नहीं रह सकती, ठीक है। अच्छा, अब जो पुरानी वैल्यू डिलीट हो गई है इसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, ये जो मलिक इसके अंदर रखा हुआ था ये डिलीट हो चुका है, इसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, जब आप एक वैल्यू को एक वैल्यू के ऊपर दूसरी वैल्यू रखवाते हैं। अच्छा, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ओवरराइट, ठीक है, ओवरराइट। ये क्या हो गया, जो वेरिएबल में पहले से जो चीज़ थी उसको जॉन ने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया, यानी उसके ऊपर लिख दिया। अच्छा, अभी ऐसे इमेजिन करें, इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ये जूम नहीं होगा ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे करके जूम कर लेता हूँ।
ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पे ना एक लिखा हुआ था मलिक, ये परमानेंटली डिलीट वाला ना फेनोमेना समझा रहा हूँ कि ये क्या है। ठीक है, इमेजिन करो कि ये पेपर पे लिखा हुआ है, इमेजिन करो कि ये पेपर पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब तुमने क्या किया, अब तुमने इसको इसके ही ऊपर कुछ और लिखना है, क्या करना है, इसी के ऊपर कुछ और लिखना है। तो अब मैंने क्या किया, इसको पेंसिल से ना ऐसे ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। अभी पेपर पेन से सोचो, अभी कंप्यूटर को बिल्कुल भूल जाओ साइड में, अभी ये पेपर तुम्हारे हाथ में, और तुमने इसको बिल्कुल ओवर राइट करना है, फेनोमिना करना है ओवर राइट वाला, ओवर राइट किया हमने ये इसको, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर आके ना कोई दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ, अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ जॉन, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर जॉन लिख दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने मलिक के ऊपर ऐसे पेंसिल मार के फेर के उसको डिलीट करके और उसके ऊपर जॉन लिख दिया, यानी कि ओवर राइट कर दिया, तो अब क्या पीछे जो लिखा हुआ मलिक था उसको रिकवर करने का कोई तरीका है? नहीं है, ठीक है, पीछे जो मलिक लिखा हुआ था उसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं। तो एग्जैक्टली जब वैल्यू में, जब मैं किसी भी वेरिएबल की एग्जिस्टिंग वैल्यू को के ऊपर कोई दूसरी वैल्यू रखवाता हूँ, तो पुरानी वाली वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से ओवर राइट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई एक जनरल बात कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल जो ये काम कर रहा है किस तरह काम कर रहा है। तो हमने इस पॉइंट पे इतना सीख लिया कि हम किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसके अंदर कोई एक वैल्यू रख सकते हैं, और वो वैल्यू बाद में चेंज भी हम करवा सकते हैं। अच्छा, और जहाँ पे भी उस वैल्यू को हमें एक्सेस करना होता है, यानी यूज़र नेम के अंदर जो भी वैल्यू है इस वक्त, अगर उसको एक्सेस करना है, तो मैं जस्ट यूज़र नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और इस पे डबल कोटेशन नहीं लगाता, अगर तो डबल कोटेशन लगाऊंगा ना तो ये खुद एक वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ जो मैंने मलिक लिखा है ना, ये डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन का मतलब है कि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। ऑन अदर एंड देखो, वेरिएबल के नाम के ऊपर ना डबल कोटेशन नहीं होता है आमतौर पर, वेरिएबल के नाम के अंदर आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, जस्ट वेरिएबल का नाम होता है। तो अगर मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग में ऐसे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया ए बी सी, तो अब ए बी सी का मतलब ये, देखो इसमें डबल कोटेशन नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये कॉन्सोल डॉट लॉग जब चलेगा तो ये ए बी सी के नाम से किसी वेरिएबल को तलाश करेगा, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर मैं ए बी सी डबल कोटेशन में लिख देता हूँ तो ये ए बी सी के नाम से वेरिएबल तलाश नहीं करेगा, ये ए बी सी को एज अ टेक्स्ट वैल्यू समझ के उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड में देखो यहाँ पे क्या किया था, डबल कोटेशन लगाया था, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट वैल्यू। अच्छा, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, ये इस तरह जो डबल कोटेशन लगा के हम बात लिखते हैं, यानी टेक्स्ट वैल्यू जो लिखते हैं, इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग, सही है। जो भी टेक्स्ट वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, तो हमारा जो चैप्टर है वो असल में क्या चैप्टर है, वो चैप्टर यही है कि वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनमें हम टेक्स्ट वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज सेव करवा सकें, ठीक है। सर जी प्यारे दोस्त, कंसोल डॉट लॉग और जो आपने पहले बताया था, अलर्ट, दोनों प्रिंट के लिए यूज होते हैं या फिर दोनों का अलग अलग काम है? दोनों असल एक में, चीज है। असल में अब हम ना ज़्यादातर कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करते हैं, अलर्ट को हम यूज़ आमतौर पे नहीं करते हैं। अलर्ट क्योंकि ना ब्रेकिंग ब्लॉकिंग कोड है, ब्लॉकिंग कोड का मतलब ये है कि अब जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ ना कोई, जैसे मैंने ये टेक्स्ट प्रिंट करवा दिया अलर्ट में, अब मेरे कोड को ना ये ब्लॉक कर देता है, देख रहे हो पेज पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी तक, जब मैं इसको ओके करूँगा तो मेरा कोड आगे बढ़ेगा, ये ब्लॉकिंग कोड है ना। तो इसको अब जो जदीद दौर है, जो ये जो नया नया वाला हमारे अप्रोच है अब, जिसको हम कहते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस या एसिंक्रोनस एप्लीकेशंस, तो उसमें ना इस ब्लॉकिंग बिहेवियर को पसंद नहीं किया जाता, नॉट एनी मोर, ठीक है। तो इस वजह से अलर्ट को अब आमतौर पर लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ अच्छा
ये जो कॉन्सोल डॉट लॉग है इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना होता है वो भी ज़रा बता देता हूँ मैं। राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, इंस्पेक्ट का बटन दबाओगे, और इंस्पेक्ट का बटन दबाने के बाद क्या करोगे, ओ ये जो कॉन्सोल यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ना इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये जो कॉन्सोल यहाँ पे लिखा हुआ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो फिर ये कॉन्सोल की जो वैल्यूज़ हैं ये दिखेंगी। अच्छा, कॉन्सोल डॉट लॉग जो होता है ये स्पेशली डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए होता है। ठीक है, एंड यूज़र जो होता है, एक नॉर्मल वेबसाइट का विजिटर जो होता है, वो कभी भी कॉन्सोल को खोल कर नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए होता है। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इनपुट और आउटपुट लेना सीखेंगे तो आपके ये सारे भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि अलर्ट नहीं यूज़ करते तो हम फिर यूज़ क्या करते हैं। ठीक है, अलर्ट अगर हम नहीं यूज़ करते तो हम यूज़ करते क्या हैं फिर, तो ये भी इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेंगे थोड़े दिन में। अच्छा, और किसी का कोई सवाल यहाँ तक जो मैंने बात बताई है? सर, अच्छा अब जरा बुक में हम देख लेते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमने मिस कर दी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं वेरिएबल फॉर नंबर्स। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। हमारी जो ये बुक लिखी हुई है ना, ये एक्मा स्क्रिप्ट 6 पे नहीं लिखी हुई, ये बुक थोड़ी सी पुरानी है। ठीक है, ये लिखी हुई है एक्मा स्क्रिप्ट 5 पे, जो कि अब पुराना वर्जन हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट है वो एक्मा स्क्रिप्ट 6 है। तो इसमें जितना भी कोड लिखा हुआ है ना वो एक्मा स्क्रिप्ट 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस बुक के सीक्वेंस को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जो भी कोड आपको लिखवाऊँगा यहाँ से देखूंगा मैं ES5 का कोड, लेकिन लिखवाऊंगा आपको ES6 का कोड। ठीक है, तो हम ये जो वार लिखा हुआ है ना एक्मा स्क्रिप्ट 6 के अंदर, इसके लिए लेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये मैंने लेट यहाँ पे कर दिया। बिहेवियर बिल्कुल सेम है इसका, बिहेवियर में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, अभी भी वही है, जो इसका रिज़ल्ट है वही है। ठीक है, तो एक्मा स्क्रिप्ट 6 की जो चीज़ें हैं ना वो हम पढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे 5 का कोड लेकिन पढ़ेंगे 6 वाला। अच्छा, तो अब ज़रा बनाते हैं नंबर फॉर वेरिएबल्स और नंबर फॉर वेरिएबल फॉर नंबर्स। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, लेट माई बैलेंस इज़ 100। ठीक है, माई बैलेंस मैंने वेरिएबल का नाम रखा। लेट जब लिखा हुआ आता है, पहले वार था ES5 में, वो भी सही है, वो भी चलेगा आप लिखेंगे तो, लेकिन ES6 में लेट है। तो लेट से क्या समझा जावास्क्रिप्ट ने, लेट जैसे ही देखा जावास्क्रिप्ट ने, उसने ये समझा कि एक वेरिएबल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद वेरिएबल का एक नाम रखा गया, नाम कोई भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी का कोई भी नाम। ठीक है, अब नाम रखने में क्या लीगल और इलीगल है वो अभी अगले चैप्टर में आ जाएगा। और उसके अंदर मैंने वैल्यू रखवा दी 100। ठीक है, माई बैलेंस के अंदर ये 100 वाली जो वैल्यू थी ये सेव हो गई। अच्छा, अभी ज़रा इसको कॉन्सोल करा के भी देख लेते हैं, आया कि इसमें 100 ही सेव हुआ है या कुछ और सेव हुआ है। मैंने कहा माई बैलेंस, ठीक है, और जाके मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो देखो 100 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसका मतलब है कि माई बैलेंस के अंदर 100 सेव हो चुका है। अच्छा, 100 सेव हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या बताया इन्होंने, आगे इन्होंने ये बताया कि यार माई बैलेंस में ना मैं ये भी कर सकता हूँ कि ज़ाहिर है क्योंकि ये एक नंबर वेरिएबल है, तो नंबर वेरिएबल को आपस में प्लस और माइनस भी किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कहा न्यू बैलेंस, लेट न्यू बैलेंस, एक और वेरिएबल बनाया मैंने न्यू बैलेंस के नाम से, और उसमें मैंने क्या बोला कि न्यू बैलेंस इक्वल्स टू माई बैलेंस प्लस 100। ठीक है, तो ये माई बैलेंस और प्लस 100 से मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। माई बैलेंस में इस वक्त मौजूद है 100, राइट, और 100 प्लस 100 इज़ इक्वल्स टू 200।
तो ये माई न्यू बैलेंस में एक्चुअली जब ये कोड चलेगा ना, जब ये रन होगा, तो इसके अंदर 200 चला जाना चाहिए। मैं वापस कंट्रोल रेड करता हूँ, ठीक है। तो माई बैलेंस प्लस 100, क्योंकि ये वेरिएबल एक नंबर वेरिएबल है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो 100 से प्लस हो जाएगा। तो न्यू बैलेंस में क्या चले जाना चाहिए? 200। न्यू बैलेंस को भी ज़रा कंसोल करा के देख लेते हैं। न्यू बैलेंस, ठीक है। एक मैंने बैलेंस प्रिंट करवाया, एक मैंने न्यू बैलेंस प्रिंट करवाया। गया यहाँ पे, क्लियर किया, रिफ्रेश किया, न्यू बैलेंस 200। क्लियर है? ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू रखी, उसको कंसोल करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब कौन मुझे बताएगा कि लाइन नंबर 34 में मैं माई बैलेंस को अगर प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 100 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि माई बैलेंस में इटसेल्फ तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। माई बैलेंस को मैंने इस्तेमाल किया है एक एक्सप्रेशन में, लेकिन माई बैलेंस को इटसेल्फ मैंने चेंज तो नहीं किया, तो यहाँ पे 100 ही आना चाहिए। देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 100 ही आ रहा है स्टिल। अच्छा, ये करने के बाद अगर मैं माई बैलेंस की वैल्यू को चेंज कर दूँ, मैंने कहा माई बैलेंस इक्वल्स टू कोई भी बात लिख दी मैंने, 34 लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कंसोल करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 34 आ जाना चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला मेरा कंसोल होगा, ठीक है। तो ये 34 आ गया। तो हमने क्या सीखा? नंबर के वेरिएबल को बनाना सीखा, नंबर के वेरिएबल को प्रिंट करवाना सीखा, नंबर के वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरा नंबर का वेरिएबल बनाना भी सीख लिया हमने, ठीक है, और हमने नंबर के वेरिएबल को मॉडिफाई करना भी सीख लिया, ठीक है। ये बात सब लोगों को समझ में आई? यस सर। अच्छा, ये कुछ इसके अंदर रूल्स बताए हैं उन्होंने कि भाई वेरिएबल के नाम में ना क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है? अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। जो वेरिएबल का नाम है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर आता हूँ और माई और बैलेंस के बीच में अगर स्पेस दे देता हूँ मैं, दिस इज नॉट अलाउड। अगला, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, ठीक है। ये चार चीज़ें हो सकती हैं इसमें, लेटर, नंबर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो नया वेरिएबल एक बना लेता हूँ, उस ऊपर वाले कोड को मैं कंसोल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा लेट माई न्यू वेरिएबल, ठीक है, एक नया वेरिएबल बना लिया मैंने, इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें करके देखेंगे। तो इन्होंने बोला भाई कि इसके अंदर ना क्या हो सकता है, सिर्फ लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो मैं आखिर में नंबर भी एक लगा देता हूँ, ठीक है, और अंडर स्कोर हो सकता है और डॉलर हो सकता है, ठीक है, डॉलर भी हो सकता है। अब देखिए, ये सब कुछ लिखते हुए ना मुझे इसने एरर नहीं दिया, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे स्टैरिक का जो स्पेशल कैरेक्टर है ये मैंने लगा दिया, दिस इज़ एन एरर, स्टैरिक इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर ये सिर्फ दो स्पेशल कैरेक्टर हैं, अंडर स्कोर और डॉलर। ये दो स्पेशल कैरेक्टर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में अलाउ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या है भाई? नंबर थ्री, थ्रो अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, इट कैन कंटेन कीवर्ड फॉर एग्जांपल दैट। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट
लेट वार के नाम से मैं कोई वेरिएबल नहीं बना सकता, ठीक है, या लेट लेट के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता मैं, क्योंकि लेट ऑलरेडी एक कीवर्ड है, लेट के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता मैं। या मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कीवर्ड है स्विच, ठीक है, तो स्विच के नाम से मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। देखो एरर दे रहा है मुझे, ये कह रहा है भाई ये क्या कर दिया आपने, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। या जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कीवर्ड है फॉर, इस नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है, एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके आगे ये लिख दूं कि फॉर लूप, तो फिर ये सही हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली फॉर अगर मैं लिखता हूँ ना तो फिर वो कीवर्ड है, सही है। मिसाल के तौर पर मैंने लेट लिखा है, अगर एग्जैक्टली लेट लिख, लेट एक ऑलरेडी कीवर्ड है, तो मैं लेट के आगे अगर वन लगा देता हूँ तो दैट्स कूल फिर, ठीक है, लेट के आगे वन लगा दिया मैंने, या लेट से पहले मैंने अंडरस्कोर लगा दिया तो फिर सही है, फिर मसला नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा लेट की स्पेलिंग को, या तो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज स्पेलिंग को करना पड़ेगा, आगे या पीछे नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली लेट के नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते, या कोई भी कीवर्ड हो जावास्क्रिप्ट का, एग्जैक्टली उस नाम से आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। अच्छा, कैपिटल लेटर आर फाइन, कह रहे कैपिटल लेटर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर लेट रोज़ मैंने लिखा है कैपिटल से, ठीक है, रेड, ठीक है, और मैंने एक और दूसरा वेरिएबल बनाया है स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है, तो ये कैपिटल आर वाला वेरिएबल और स्मॉल आर वाला वेरिएबल, ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, सही है, ये एक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी क्या है, केस सेंसिटिव है। तो अगर मैं कैपिटल आर वाले रोज़ को प्रिंट करवाऊंगा और स्मॉल आर वाले को करवाऊंगा, तो मुझे दोनों की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, और दोनों को मैं इंडिविजुअली अलग अलग चेंज भी करूंगा, तो मुझे चेंज, देखो एक में रेड मिला, एक में वाइट मिला मुझे, ठीक है। तो कैपिटल लेटर आप बिल्कुल लिखें, लेकिन कैपिटल लेटर से अगर आप लिखेंगे और स्मॉल से लिखेंगे, तो ये वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं, ये दीज आर नॉट द सेम। अच्छा, कैमल केस में आप वेरिएबल का नाम रखते हैं आमतौर पर, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, माई न्यू वेरिएबल, तो अब जाहिर है स्पेस तो अलाउ नहीं है, तो नाम रखने के ना कन्वेंशन इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, क्या है वो कन्वेंशन, मिसाल के तौर पे एक मैंने वेरिएबल का नाम रखा कि अब ये पढ़ा जा रहा है तुमसे क्या लिखा हुआ है, ऑन अदर एंड इसी सेम चीज को मैं क्या लिखता हूं, कैमल केस में लिखता हूं, ठीक है, ये जो कैमल केस में लिखी हुई बात है, ये इसमें रीडेबिलिटी बेटर है, दिस वन इज़ रीडेबल, ऊपर वाला रीडेबल कम है थोड़ा। अच्छा, तो हम कैमल केस को असल में करते क्या हैं कि पहला वर्ड जो होता है वो, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, ऐसे ही बहुत लंबा कर दिया मैंने, मिसाल के तौर पे मैंने कहा लेट, जैसे ऊपर मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था, माई न्यू वेरिएबल, माई न्यू वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो इसमें पहला वर्ड कम्प्लीटली स्मॉल है, उसके बाद जो अगला वर्ड है ना, हर अगला वर्ड उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल, फिर उसके बाद जो अगला वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल, ये दैट इज़ कॉल्ड कैमल केस, ये कैमल केस है। अच्छा, कैमल केस क्या चीज़ है, कैमल केस कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो भी कोई मसला नहीं है, कोड आपका चलेगा, कोड एरर नहीं देगा आपका, लेकिन कन्वेंशन असल में इसलिए होती है कि आप क्या कर सकें, जो दूसरे डेवलपर्स हैं, यानी लोगों ने आपस में जो चीज़ डिसाइड की हुई होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल बड़ी क्लासिक इसकी देता हूँ कि रोड पे जैसे चलते हैं ना, तो रोड पे गाड़ी जो लोग चलाते हैं, जो ड्राइव करते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ी
लेफ्ट हैंड पे चलाई जाती है। किसी भी रोड पे आप जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे आप गाड़ी चलाते हैं, और जो सामने से आपकी गाड़ी आ रही होगी वो अपने लेफ्ट हैंड पे चलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप किसी सुनसान कच्ची सड़क पे जा रहे हैं या किसी हाईवे पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सामने से अगर एक गाड़ी आ रही है, आप भी स्पीड में, वो भी स्पीड में, तो आपको एक रूल पता है ना, आपको एक कन्वेंशन पता है, और वही बात उसको भी पता है कि मुझे अपने लेफ्ट पे रहना है, उसको अपने लेफ्ट पे रहना है, तो ईज़िली दोनों गाड़ियाँ क्रॉस हो जाती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशन। ये दो ड्राइवर्स ने आपस में ये बात तय की हुई है कि हम दोनों अपने अपने लेफ्ट हैंड पे चलेंगे, तो दोनों को कोई मसला नहीं होगा। अब इमेजिन करो कि ये कन्वेंशन नहीं बनी हुई होती तो क्या होता, या तो ज़ोर से आवाज़ देनी पड़ती कि भाई तू इधर हो जा, मैं इधर हो रहा हूँ कुछ करना पड़ता है ना ऐसा। फिर ज़ाहिर है स्पीड को भी स्लो करना पड़ता अगर आवाज़ देनी है तो इनकन्वीनियंस रहता। तो इसी तरह जो डेवलपर्स हैं उन्होंने आपस में ये वेरिएबल के नाम के ना कन्वेंशंस बना लिए हैं। अच्छा, कैमल केस इज़ नॉट दी ओनली, राइट, और भी हैं कैमल केस के अलावा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना, ठीक है, ये भी एक कन्वेंशन है, दैट इज़ कॉल्ड स्नेक केस। ये स्नेक केस कहला, लेकिन दिस इज़ नॉट कॉमन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में बोला जाता है कि भाई आप ये वाला यूज़ करो, कैमल केस, ठीक है, स्नेक केस वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और एक होता है कैपिटल केस, और भी वेरिएबल का नाम रखने के बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम कौन सा यूज़ करते हैं, कैमल केस। अच्छा, तो ये हो गया बात, ठीक है। इसने ये दो तीन एग्जांपल लिख के बताई भी है, कह रहा है इसको पढ़ के देखो आप, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद इसने कहा मेक योर वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्टिव सो इट इज़ ईजियर टू फिगर आउट what your code means when you or someone else comes back in 3 weeks। ठीक है भाई, अब जैसे हम बहुत सारे developers होते हैं, यानी जो ज़ाहिर जूनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं let a equals to, उसमें कुछ भी value रखवा दी। variable का नाम हमेशा descriptive होना चाहिए, वेरिएबल का नाम देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इस वेरिएबल में वैल्यू क्या मौजूद है इस वक्त। मिसाल के तौर पे आप लॉगिन का फॉर्म बना रहे हैं, तो बंदे से आपने दो इनपुट लिया ना, एक ईमेल लिया, एक पासवर्ड लिया, राइट। तो आपके पास ज़ाहिर है दो वेरिएबल होंगे ना, उसी में इनपुट लेना तो पॉसिबल नहीं है बगैर वेरिएबल के। तो आपने जो है वो इनपुट लिया एक पहले वेरिएबल में, उसका नाम आपने रख दिया ए में आपने इनपुट ले लिया abc@gmail.com, ठीक है, और आपने कहा लेट बी, ठीक है, उसमें आपने पासवर्ड ले लिया बंदे का। अब ये जो ए और बी करके वेरिएबल बनाया ना, ये अच्छी बात नहीं है, काम तो ये करेगा, मसला नहीं करेगा, कोई काम करेगा ये, लेकिन बुक में ऐसा इन्होंने बोला है कि भाई नेम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना लो। इस पहले वाले का नेम क्या होना चाहिए कि भाई यूज़र इनपुट ईमेल, ठीक है, यूज़र इनपुट पासवर्ड, ये होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, ताकि वेरिएबल के नाम को देख के पता चले। इसमें एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक कोई डेवलपर था, वो कोड लिख रहा था कोई, तो जब उसने वेरिएबल का कोई नाम रखा ना, तो उस वक्त सिर्फ वो जानता था और उसका रब जानता था कि वो वेरिएबल उसने क्यों बनाया है, सही है। अच्छा, 3 महीने बाद जब वो आया उस कोड को चेंज करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो सिर्फ उसका रब जानता था कि वो वेरिएबल उसने क्यों बनाया, सही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऑफ कोर्स उसने वेरिएबल का नाम यही रखा होगा ना, एक्स वाई करके रखा होगा या ABC करके रखा होगा, जब भी उसको समझ में नहीं आया। तो वो आप 3 महीने बाद जब आएंगे ना, तो कोड में आप फिर घूमते ही रहेंगे अगर आपने वेरिएबल के नाम ढंग से नहीं रखे होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर पढ़ने लगे हैं मैथ एक्सप्रेशंस फेमिलियर ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें आप, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह की तरफ मूव करते हैं। सर, एक कंसोल डॉट लॉग लिख के कर रहे हैं, ये शो नहीं हो रहा। ये शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे होगा ना, कंसोल पे शो होगा ये, यहाँ भी देख रहे हैं, नहीं हो रहा। कोड आपने सेव किया है? जी सर।
अच्छा कोड सेव होने की पहचान क्या है, मैं बता दूँ। जैसे कोड कुछ लिखा ना मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना गोल सा एक सर्कल बना हुआ आ गया यहाँ पे इस जगह पे देखो। अच्छा जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा ना ये क्रॉस बन जाएगा, सही है। तो अगर ये गोल बना हुआ आ रहा है ना बॉल, इसका मतलब आपका कोड सेव नहीं है। तो अगर कोड भी सेव है और फिर भी नहीं आ रहा तो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें, देख लेते हैं क्या सीन है। यार मेरी तो स्क्रीन शेयर है, पिन पिन का बटन दबा दो ना मेरी स्क्रीन पे, ये थ्री डॉट को प्रेस करके ना, थ्री डॉट आ रहा है ना छोटा सा जो कॉल कट करने का बटन है उसके पड़ोस में, वहाँ से जाके चेंज लेआउट कर लो। और चेंज लेआउट करके ना जो तुम्हें, चार लेआउट हैं टोटल इसमें, जो तुम्हें बेहतर लग रहा है वो लेआउट लगा लो अपने पास। हाँ भाई शेयर कर रहे हो स्क्रीन अपनी? जी सर कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ मुझे। शेयर का बटन डिसेबल आ रहा होगा ना, तो वो छोटी स्क्रीन पे क्लिक करना होता है पहले, उसके बाद इनेबल होता है। सर आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ यार मैं कर तो रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अच्छा जी ये आ गई आपकी स्क्रीन मेरे पास। अच्छा ये आपने चला लिया। अच्छा एक काम करें, वापस जाएं वीएस कोड में, ज़रा इसको इसकी कॉपी पाथ करें इस फाइल का। हाँ राइट क्लिक कॉपी पाथ, हाँ अब ये इसका कॉपी जाके पेस्ट करें। अब जाएं कंसोल पे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये तो आपके पास एरर, रिफ़्रेश कीजिएगा इसको, ये तो एरर आया हुआ है आपके पास, रिफ़्रेश कीजिएगा इस कोड को, इस पेज को रिफ़्रेश कीजिएगा पेज को। कंट्रोल आर से भी कर सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश का बटन दबाओ ना भाई, वो गोल सा जो ऊपर बना हुआ है ना बैक। अच्छा ये आ गया ना, देखो रेड इज़ नॉट डिफाइंड, ये तो एरर है ना तुम्हारे पास। जाओ कोड में वापस, कोड में जाओ। ये असल में वेरिएबल का नाम है आपके रोज़, वो कंसोल करना है आपने। आपने रेड कंसोल डॉट लॉग में रोज़ लिखना था ना आपको। कंट्रोल एस कर दो और रिफ्रेश कर लो यहाँ पे के। रिफ्रेश रिफ्रेश, कंट्रोल आर दबाओ रिफ्रेश हो जाएगा। सही है अब आ गया कंसोल। सर एग्जांपल नॉर्ड पर करवा लें, क्यों भाई? असल में इस पे करवाने का ही रीज़न है, वो भी पता चल जाएगा आपको कि क्यों इस पे मैं करवा रहा हूँ। वैसे तो असूलन मुझे डायरेक्ट नॉर्ड जीएस ही शुरू करनी थी, हाँ, लेकिन वो इस वजह से मैं ये इस पे करवा रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा रीज़न। वो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बनाएंगे हम, छोटे छोटे पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो चले नज़र आए सामने। बाकी ये है कि नॉट जे एस की प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे जब सर्वर की तरफ मूव करेंगे ना, फिर हम नॉट जे एस पे ही करेंगे कम्प्लीटली सारा काम। अच्छा जी सो ये हो गया हमारा वेरिएबल के नाम का मसला हल। अब आगे क्या है हमारे पास, मैथ के एक्सप्रेशंस, ठीक है। कौन मुझे ये बताएगा कि मैथ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? चलो सिर्फ एक्सप्रेशन का अभी, क्योंकि अभी मैथ एक्सप्रेशन हम पढ़ने लगे हैं, तो एक्सप्रेशन जो होता है अंग्रेज़ी में, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, प्लीज़ आप सब लोग अपना ओपिनियन शेयर करें। अगर जब एक्सप्रेशन का वर्ड बोला जाता है तो आपको क्या समझ आता है कि ये क्या बात हो रही है? व्हाट इज एक्सप्रेशन इन अंग्रेजी? सही गलत नहीं है इसमें, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है,
तो प्लीज़ अपनी अपनी ओपिनियन आप शेयर करें। गूगल से देखें एग्जाम डेफिनेशन के, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन गूगल क्या बता रहा है। सर फेस के ऊपर कोई थॉट्स और इजहार करना किसी चीज़ के, इजहार द एक्शन ऑफ मेकिंग नोन वंस थॉट और फीलिंग्स। मैं भी लिखता हूँ गूगल पे जाके, एक्सप्रेस एक्सप्रेस से ही निकला वर्ड एक्सप्रेशन। अच्छा एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, देखो क्या इन्होंने लिखा, कन्वे अ थॉट और फीलिंग इन वर्ड्स और बाई जेस्चर एंड कंडक्ट। कि अपनी बात, सही है, जो भी आपके दिल में बात चल रही है, कोई भी थॉट है आपका, कोई भी ख्याल आपके दिल में आया है, कोई भी फीलिंग है आपकी, कोई भी बात है, ठीक है, उसको आप कन्वे करना है आपने, ठीक है, किस फॉर्म में करना है, वर्ड्स में। अगर कोई बात ना वर्ड्स में नहीं लिखी हुई ना, दैट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे जैसे वो कहते हैं ना एक्सप्रेस योर लव, कि अपनी मोहब्बत का इजहार किया आपने किसी से, तो वो आपको वर्ड्स में ही करना होता है। देखो बाई डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कन्वे इन वर्ड्स लिखा हुआ होना चाहिए, राइटिंग या राइट बोल के भी हो सकता है, ठीक है, और बाई जेस्चर्स के कोई इशारा करें आप, ठीक है, और कोई कंडक्ट इस तरह का हो, या यानी कोई वर्ड हो, कोई इशारा हो, या उससे ही रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। अच्छा तो हमने क्या देखा कि कोई भी बात कन्वे करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे मुझे अगर लगी है प्यास, मुझे पानी चाहिए, ठीक है, तो अब मैं किसी को कैसे ये बात समझाऊँ कि मुझे प्यास लगी है, तो मैं ये बोलूँगा कि आई एम थर्स्टी, या मैं बोलूँगा कि गिव मी वाटर, ठीक है, या फिर मैं क्या बोलूँगा, जेस्चर क्या होता है पानी मांगने का, याद है बच्चे छोटे छोटे मदरसे में जब उनको प्यास लगती है तो वो क्या करते हैं, कोई अगर मदरसे वाला स्टूडेंट यहाँ पे है तो वो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, सारे साहब बोलते हैं जाओ पानी पी के आओ, ठीक है, या अगर आपको वॉशरूम आया है, मदरसे के बच्चे हैं आप, तो आप क्या करते हैं, इशारा करते हैं, आप ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, या अगर आप स्कूल में बैठे हैं, ठीक है, आपको टीचर से परमिशन लेनी है कि आपको वॉशरूम जाना है, तो आप क्या कहते हैं, मैं गो टू वॉशरूम, गो टू ड्रिंक वाटर, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, मैं गो टू वॉशरूम। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हाँ तो भाई ये क्या किया आपने, ये आपने एक्सप्रेस किया है अपनी फीलिंग को, ठीक है। अच्छा तो हमने ये समझ में लिया, हम ये समझ में आ गया हमारे कि एक्सप्रेस करना किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा यह मिसाल एक और मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, हथौड़ी से कोई कील वील ठोक रहा हूँ, मुझे ड्रिल मशीन चाहिए, अब एक हाथ में मैंने हथौड़ी पकड़ी हुई है और मैं सामने अपने हेल्पर से क्या कह रहा हूँ कि यार मुझे ड्रिल मशीन दो ज़रा, तो ये मैंने क्या किया, अपनी बात को एक्सप्रेस किया मैंने, ठीक है, मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस किया। अच्छा इसी तरीके से कोई मैंने पानी की बोतल ख़रीदी, पानी की बोतल होती है ना उस पर मेंशन हुआ हुआ होता है कि इसमें कितने टेम्परेचर तक का पानी आप रख सकते हैं, ठीक है, आमतौर पर प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी नहीं डाल सकते, वो पिघल जाती है या तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई ये इसके ऊपर ना आप रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट वाटर के लिए नहीं बना हुआ। तो जिस बंदे ने भी वो बोतल बनाई है उसने एक्सप्रेस कर दिया कि भाईजान सिर्फ ठंडे पानी के लिए ये बोतल है, ठीक है, हॉट वाटर के लिए नहीं है ये, उसने लिख दिया। अच्छा फिर इसी तरीके से कोई मेडिसन जो बनती है आमतौर पे, मेडिसन्स पे भी लिखा हुआ होता है आमतौर पे कि यार इसको ना आप क्या कहते हैं 10 डिग्री से ज़्यादा पे स्टोर ना करें, यानी फ्रिज में रखने वाली मेडिसन्स जो होती हैं, तो उसने जो लेबल पे लिखा हुआ है ना कि यार इसको 5 डिग्री या 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखें आप, तो वो भी उसने एक्सप्रेस कर दिया। जो खाने पीने की चीज़ों पे आमतौर पे लिखा हुआ होता है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें आप, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाएं, तो वो भी उसने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, आपको वार्निंग भी दे दी, काइंड ऑफ वार्निंग इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई वार्निंग दे रहा है तो वो भी एक्सप्रेस कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप समुंदर में जा रहे हैं या किसी पुल पर जा रहे हैं आप, अब जिस बंदे ने वो पुल बनाया है ना
उस बंदे ने लिख दिया है कि इस पुल पे कितना कितना वेट आ सकता है, 100 किलो से ज़्यादा का वेट नहीं आ सकता। वो पुल पे लिखा हुआ होता है आमतौर पे ना, जितने भी पुल होते हैं ना जो बंदे गुजरने वाले, उस पे कहीं ना कहीं वो तख्ती लगा के लिखी होती है। हमारे यहाँ तो पता नहीं होती है नहीं, लेकिन गोरों में तो ये है। तो उस तख्ती को ना पहले पढ़ते हैं वो जो भी पुल से गुजरने वाला होता है, तो उस पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि इस पुल में एक वक्त में कितने बंदे होने चाहिए, क्या इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं सारी। या कोई ट्रक अगर गुजार रहे हैं आप तो कितना वज़न ये पुल जो है झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं झेल सकता, ठीक है। या कुछ रोड आपने देखा होगा उसके शुरू में ये जो है वो एक ऐसे वो बैरियर सा लगा हुआ होता है कि भाई 10 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ियाँ उसके अंदर रोड पे दाखिल ही ना हो सकें। दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन कि उसने वो बैरियर लगा दिया कि भाई 10 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ी जो है वो इस रोड पे नहीं जा सकती, कि आगे जाके कोई मसला हो जाएगा, कुछ होगा आगे जिसकी वजह से उन्होंने रोका हुआ है। अच्छा, तो हमने ये बड़ी डिटेल में समझा कि वॉट इज़ एन एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी अज़ान का टाइम हो गया तो मेरा ख्याल है हम अज़ान का नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके ज़रा जल्दी से आप लोग नमाज़ पढ़ लें। इस वक्त 7:16 हो रहे हैं और हम आपसे वापस मिलते हैं 7:30 पर, ठीक है। 7:30 पर तकरीबन ये 15 मिनट बनते हैं, 15 मिनट का ब्रेक आई थिंक काफ़ी रहेगा नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फ़र्ज़ पढ़ के जल्दी से वापस आ जाएं, सुन्नतें आप बाद में पढ़ लीजिएगा होपफुली। चलें इंशाल्लाह फिर 7:30 एग्जैक्टली मुलाकात रहेगी आपसे। अच्छा, जो ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आपको अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ज़रा हम जो है ना कोड में चलते हैं और यहाँ पे ना मैं एक नया वो बना लेता हूँ। मैं कह देता हूँ 7.mathmxexpression, ठीक है, मैथ एक्सप्रेशन। सर स्क्रीन शेयर कर दे सर। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक नया फोल्डर बना दिया है। पहले तो वेरिएबल्स के नाम से बना हुआ था एक, वो उसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा था, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर वो हमने बंद कर दिया। अब ये नया हम कोड लिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैथ एक्सप्रेशन, ठीक है। और मैंने इसमें हेडिंग लगा दी मैथ एक्सप्रेशन और ये मैंने स्क्रिप्ट का टैग एक बना दिया। अब हम जो भी कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का वो यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना लेट माय बैलेंस इज दिस, उसके बाद लेट कोई भी मैंने बात लिखी जैसे माय बैलेंस न्यू बैलेंस इक्वल्स टू माय बैलेंस प्लस 100, तो ये जो बात लिखी हुई होती है ना, ये वाली बात, इसको हम बोलते हैं मैथ एक्सप्रेशन। या बल्कि इसको और सिंपल कर लेते हैं, मैं आया कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग में आके मैंने प्रिंट करवा दिया 5, ठीक है। ये एक सिंगल एक वर्ड प्रिंट, सिंगल एक नंबर प्रिंट हुआ है, दैट इज 5। अच्छा, इसको हम चला के भी देख लेते हैं इस कोड को कि भाई ये 5 प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ये मेरा 5 भी प्रिंट हो गया। अच्छा, ये 5 जैसे ही मेरे पास प्रिंट हो गया, ये 5 मेरे पास जैसे ही प्रिंट हो गया तो मुझे पता चल गया कि ठीक है भाई ये 5 प्रिंट हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 5 की जगह अगर मैं ये बात लिखूँ कि 5+4, अगर मैं ये बात लिखूँ तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? सर 9। 9 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं जी। अब 9 प्रिंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ये 9 प्रिंट हो गया। अच्छा, तो अब ये जो मैंने बात लिखी है ना 5+4, ये मैंने मैथ की ज़ुबान में कोई बात लिखी है,
ये ज़ुबान कौन सी इस्तेमाल की मैंने यहाँ पे, मैथ की ज़ुबान है ये। अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड मैथ एक्सप्रेशन। अच्छा ये और लंबा भी हो सकता है, माइनस थ्री भी एक लगा दिया मैंने इसमें साथ में, ठीक है। तो अब ये जो इतनी बात लिखी हुई है ये क्या है, ये मैथ एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए कौन बताएगा? सिक्स होगा सर। सिक्स प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सिक्स प्रिंट हुआ। तो ये जो है ना, हाँ इसमें भी डिवाइड के लिए बैक स्लैश यूज होता है। हाँ जी जी, डिवाइड के लिए बैक स्लैश और मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक ये यूज होता है। अच्छा तो अभी हम ये बात करते हैं कि मैथ एक्सप्रेशन असल में है क्या, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक अभी करेंगे, हम करेंगे अभी। अब ये मैथ एक्सप्रेशन ये समझ में आ गया, इसको मैथ एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं कि मैथ की ज़ुबान में कोई बात कर रहा है ना बंदा, तो इसको मैथ एक्सप्रेशन इस वजह से कहते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई बात कहनी है कि यार मुझे पानी ला के दो, तो मैं इंग्लिश में या उर्दू में जो भी ज़ुबान आती है मैं उसमें बोलूँगा कि यार गिव मी वाटर, तो मुझे पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे मैथ की ज़ुबान में कोई बात कहनी है, मुझे मैथ की ज़ुबान में, मिसाल के तौर पर मुझे मैथ की ज़ुबान में क्या बात कहनी है, किसी ने मुझसे पूछा कि परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, आवाज़ मेरी नहीं आ रही है? नहीं सर क्लियर आ रही है। अच्छा प्लीज़ चैट में गाइड कर दें कि वो आवाज़, अगर किसी को कोई इशू है तो रिकनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा तो अगर कोई किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मैं, मेरे जो है ना, मेरे मैट्रिक में 720 नंबर आए हैं टोटल, तो अब ये परसेंटेज कितनी बनी, इसको कैसे निकालूँ मैं, तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका मैं अंग्रेज़ी में नहीं बता सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं उसको अंग्रेज़ी में बता दूँ, मुझे वो मैथ में बताना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उसको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई आप 850 नंबर होते हैं टोटल, ठीक है, आपके आए हैं 720, तो आप क्या करोगे, 720 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, सही है, और फिर आप डिवाइड कर दोगे उसको किससे, उसको आप डिवाइड कर दोगे 850 से, ठीक है, 850 अगर टोटल होते हैं, मुझे नहीं पता टोटल क्या होते हैं। तो ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये मैंने मैथ की ज़ुबान में, मेरे दिल में जो बात चल रही है ना, वो मैंने मैथ की ज़ुबान में लिख के बताया है, सही है, आप समझ रहे हो। पहले तो एक्सप्रेशन हमने समझा था, अब हम ये समझ रहे हैं कि मैथ एक्सप्रेशन को, मतलब ये जो बात लिखी हुई है ये एक्सप्रेशन क्यों है, इसको क्यों एक्सप्रेशन कह रहे हैं, क्योंकि असल में मैथ की ज़ुबान में किसी बात का इजहार किया जा रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एवरेज निकालने का जो फॉर्म, एवरेज निकालने का जो तरीका है, ज़िंदगी में पहली बार किसी ने सोचा होगा ना कि अच्छा यार एवरेज निकालनी है किसी नंबर की तो कैसे निकलेगा वो, ठीक है। ऑन एवरेज अगर 200 खिलाड़ी हैं, 200 खिलाड़ियों ने अगर स्कोर किया है, तो ऑन एवरेज हर खिलाड़ी ने कितना स्कोर बनाया, तो पहली दफ़ा किसी ने ये सोचा होगा ना कि यार ये कैसे तरीका निकाला जाए, तो अब उसने जो तरीका सोच लिया, अब वो अंग्रेज़ी में तो नहीं बता सकता, पॉसिबल नहीं है ये कि अंग्रेज़ी में बताया, वो मैथ की ज़ुबान में उसने लिख कर बताया। तो अगर मैथ की ज़ुबान में कोई भी बात लिखी हुई होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, मैथ एक्सप्रेशन उसको हम कहते हैं, सही है। अच्छा तो हमने ये मैथ एक्सप्रेशन देख लिया, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मैथ एक्सप्रेशन, कि दो नंबर को जो है ना जमा किया हुआ है या दो नंबर को आपस में माइनस किया हुआ है, दिस इज़ द मोस्ट सिंपल मैथ एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा तो अब ये मैथ एक्सप्रेशन के अंदर ना आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, यार मच्छरों की, तो मैथ एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले इन्होंने कहा कि यार दो नंबर को आप प्लस कर रहे हैं ना, अगर ये देखो पहले हम क्या कहते थे कि भाई वेरिएबल वार इसने लिखा या लेट कह लो एक ही बात है, पॉपुलर नंबर इक्वल्स टू हम लिखते थे सिर्फ फाइव, एक नंबर लिखते थे, इसने बोला भाई टू प्लस टू भी तो लिख सकते हैं ना हम, टू प्लस टू लिखने से क्या होगा, इसमें वेरिएबल में फोर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक मैथ एक्सप्रेशन सीखा, फिर उसने बोला यार अलर्ट में जो लिखते थे ना फाइव लिखते थे या सेवन लिखते थे, तो ऐसे टू प्लस फाइव भी तो लिख सकते हैं, तो सेवन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो बात लिखी है हमने, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने मैथ की ज़ुबान में बात लिखी है, मैथ एक्सप्रेशन लिखा है ये हमने एक, और इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आते हैं हम देखते हैं जनाब इस तरह करके क्या रिपोर्ट है। मैंने कहा लेट
टोटल इक्वल्स टू 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3। तो टोटल के नाम से जो वेरिएबल था जो मैंने बनाया था, अगर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे नीचे, तो इसमें क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, सोच के ज़रा बताओ। 15 ठीक है, 5 और 2 7 और 4 9 10 11 12 13 जी 15 होगा है। एक मिनट, 5 और 2 7 7 और 4 11 12 13 14 15 हाँ 15 हो रहा है, सही कहा तुमने। ठीक है, तो यहाँ पे 15 प्रिंट हो जाना चाहिए, देखते हैं कि 15 प्रिंट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये 15 प्रिंट हो गया हमारे पास। तो हमने क्या देखा है कि वेरिएबल बनाते वक्त जो मैं पहले सिंगल नंबर एक देता था, मैं सिंगल नंबर की जगह कोई मैथ एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट जब भी किसी मैथ एक्सप्रेशन को देखेगा तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट उस मैथ एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करेगा एक सिंगल नंबर पे। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम मेरा रन होगा, जब ये प्रोग्राम मेरा रन होगा तो क्या होगा, जब वो यहाँ पहुँचेगा ना इस लाइन पे, नहीं पहले तो यहाँ पहुँचेगा मिसाल के तौर पे, तो वो क्या करेगा, ये मैथ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, एक सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट करेगा इसको ये। ठीक है, तो मतलब 5 और 4 9 और 9 में से 3 कम करो तो 6। ठीक है, तो इसको ये इवेल्यूएट करेगा 6 पे, उसके बाद ये प्रोग्रामिंग की ना चीज़ शुरू करेगा अपनी, यानी उसको प्रिंट कराने का हुक्म दिया गया है जो भी दिया गया है, तो पहले उसको इवेल्यूएट करने के बाद ये काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसी तरह इस वाले केस में आओ तो इन सब नंबर्स को वो इवेल्यूएट करेगा एक सिंगल वैल्यू पे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद उसको जैसे यहाँ पे 15 है हमारे, तो 15 बनाने के बाद इसमें 15 भेजेगा, सही है। तो पहले जहाँ पे भी मैथ एक्सप्रेशन देखेगा हमारा जावास्क्रिप्ट, उसको पहले वो क्या करेगा, उस मैथ एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करेगा, उस मैथ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, एक सिंगल वैल्यू पे उसको लेकर आएगा। ठीक है, अच्छा ये हमें बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि लेट टोटल, या मिसाल के तौर पर न्यू बैलेंस इक्वल, अच्छा न्यू बैलेंस के नाम से एक वेरिएबल बना चुका, नहीं, न्यू बैलेंस इक्वल्स टू टोटल प्लस 500। तो अब यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है ना, ये भी क्या है, ये भी एक मैथ एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, एक मैथ एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो अब इस मैथ एक्सप्रेशन में जावास्क्रिप्ट सबसे पहले क्या करेगा, पहले तो ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की वैल्यू लेकर आएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू लेकर आएगा, 15 है ये। ठीक है, उसके बाद ये मैथ एक्सप्रेशन को अब ये सॉल्व करेगा, तो ये हो गया 515। ठीक है, और ये 515 को इसके अंदर डाल देगा। ठीक है, देखते हैं कि ऐसा ही होता है नहीं होता। ठीक है जी, अच्छा इसको कंसोल नहीं करवाया ना मैंने। ठीक है, न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस को मैंने क्या करवा दिया, देखो 515 प्रिंट हो गया। तो हमने ये देखा है कि भाई अगर मैथ एक्सप्रेशन के बीच में वेरिएबल्स भी आ जाएं तो भी उसको सॉल्व कर लेता है जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल अगर इसके दरमियान में हो तो। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब हम एक थोड़ा सा नस्बतन डिफ़िकल्ट या नस्बतन अब थोड़ा हम नेक्स्ट लेवल का वो बनाते हैं। मैंने बोला लेट टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 850। ठीक है, लेट ऑप्टेन मार्क 720। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास, ये दो मेरे पास क्या आ गए, दो वेरिएबल्स आ गए। इमेजिन कर लें कि ये जाहिर है टोटल मार्क यूज़र से इनपुट लूँगा ना मैं, यूज़र एक मैं ऐसी ऐप बना रहा हूँ जिसमें यूज़र ने मुझे बोला है कि भाई मेरा टोटल मार्क ये है और मेरे ऑप्टेन मार्क कितने हैं। ठीक है, कि टोटल कितने नंबर थे एग्ज़ाम के और मेरे कितने नंबर आए हैं, ये दोनों यूज़र ने मुझे बता दिए, दोनों मैंने वेरिएबल में लाके सेव कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ऑप्टेन मार्क को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, 100 से, यही होता है ना फॉर्मूला, और डिवाइड करूँगा इसको किससे, टोटल मार्क्स से।
यही फॉर्मूला होता है ना परसेंटेज का, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो कोई बताना मुझे। अच्छा तो अब ये जो मैथ एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैथ एक्सप्रेशन जब जावास्क्रिप्ट देखेगा तो उसको सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट परसेंटेज इक्वल्स टू बोलना पड़ेगा, ताकि जब ये इस पूरी को, इस पूरे वाले को जब ये सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट करे, सही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 85 आ गया मिसाल के तौर पे, तो वो परसेंटेज के अंदर चला जाएगा 85। ठीक है, ये मैंने सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा। और उसके बाद मैं कंसोल करवा लेता हूँ परसेंटेज को। मैंने कहा भाई परसेंटेज इक्वल्स टू, ये मैंने परसेंटेज ऐसे लिख दिया। अच्छा ठीक है, इसमें कॉमा डाल के ना दो वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, पहले एक टेक्स्ट लिखा है, कंसोल डॉट लॉग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने एक टेक्स्ट वैल्यू लिखी है, उसके बाद कॉमा डाल के ना मैंने एक वेरिएबल लिख दिया। तो कॉमा कॉमा डाल के ना इसमें जितनी चीज़ें भी प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग में, ये हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने असल में यही किया, कॉमा डाल के दो वैल्यू प्रिंट करवा दी। ये मैं पहले भी करता रहा हूँ शायद, नहीं पहले नहीं किया मैंने ये। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह, असल में क्या होता है जब भी हम कंसोल पे कोई चीज़ लॉग करते हैं ना, तो बेहतर ये है कि उसके साथ कोई छोटा सा टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है, वरना वो पता नहीं चलता। देखो हमारे पास ये तीन तीन लॉग है ना, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला लॉग किस जगह से आया है। ठीक है, तो इस तरह से ना पता चल रहा होता है फिर हमें। तो देखते हैं परसेंटेज कितनी आई है इस बंदे की। भाई रिफ्रेश किया मैंने, 84% आई है, राइट। तो ये हमने एक मैथ एक्सप्रेशन देख लिया। अच्छा, इतना सब लोगों को समझ में आया कि मैथ एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, मैथ एक्सप्रेशन में चार चीज़ें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार चीज़ें अभी तक हम देख चुके हैं। सर आ गया, ठीक है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ अभी बता दे, ताकि हम उसको देख लें दोबारा से। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार चीज़ें हम देख चुके हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम एक चीज़ करते हैं छोटी सी यहाँ पे। मैंने कहा लेट टोटल इक्वल्स टू 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 5, या मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा कि टोटल में क्या प्रिंट होगा? सर 14। सर अच्छा 12 सर। अच्छा, ये तो मसला हो गया। अच्छा देखो, करते हैं 2 + 5 पहले तो हुआ, तो 2 + 5 हो गया 7। अब 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एक तो ये होना चाहिए कि भाई 14, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर मैं प्लस के बजाय अगर मैं मल्टीप्लाई को पहले करूँ तो क्या होगा, 5 × 2 10 हो गया, और 10 में 2 + करेंगे तो 12 हो गया। तो 12 भी इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो अब सही कौन सा है, 12 आंसर सही है या 14 सही है? शायद 12 सर। अच्छा, और लोग बताएं, कोई सही गलत नहीं है इसमें, ओपिनियन अपना दें कि क्या मुझे ऐसे इस तरफ से करना चाहिए या इस तरफ से करना चाहिए, क्यों? ये तो मसला हो गया ना, दो तरफ से कर रहा हूँ, अलग अलग आंसर आ रहा है। राइट हैंड से करना चाहिए, राइट हैंड से करना चाहिए। अच्छा चलो, इसको मैं कट करके जो है वो राइट हैंड पे अगर लाके लगा दूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं राइट हैंड से करता हूँ तो 2 + 2 = 4 और मल्टीप्लाई बाय 5, 4 × 5 के, ये पहले क्या था इसमें यार, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ था पहले, ये 2 + 5 था ना, हाँ, यानी मल्टीप्लाई 2 को मैं कट करके ना यहाँ लागे लगा दूँ अगर, सही है, मतलब मैंने इस तरफ कर दिया। अब अगर मैं राइट साइड से करता हूँ, जैसे अगर तो रूल ये सेट है कि राइट साइड से किया जाए,
तो 5 + 2 = 7 हो गया, और 7 × 2 फिर 14 आ गया ये। तो इसमें अब क्या ऐसा मैं तरीका करूँ इसको, ये चक्कर क्या है सारा। अच्छा तो अब पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 14 आंसर आ रहा है या 12 आंसर आ रहा है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है पहले हम ये देखते हैं फिर हम इसका तरीका भी सीख लेंगे। अच्छा सर 12 आ रहा है आंसर इसका। नहीं वो एक मिनट मैंने वो चेंज किया था ना, उसके बाद वो मैं वापस पहले वाला लेकर आता हूँ। हाँ ये वापस पहले वाला आ गया ना, इसका आंसर आ रहा है 12। वो असल में मैंने चेंज किया था तो वो काफ़ी चेंज हो गई थी चीज़। ठीक है इसका आंसर आ रहा है 12। अच्छा इसका आंसर 14 नहीं आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 12। हालांकि जब मैं ऐसे करता हूँ ना 5 + 2 तो 7 हो जाता है, 7 × 2 = 14 होना चाहिए। लेकिन जो मैथमेटिक्स के जो एक्सप्रेशन है ना, जाहिर है क्योंकि मैथ एक्सप्रेशन है तो रूल भी मैथ का है। ठीक है जब मैथ एक्सप्रेशन है तो रूल भी मैथ का है, तो मैथ में अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी हो और मल्टीप्लाई भी हो तो पहले कौन सा वाला किया जाता है, मल्टीप्लाई पहले किया जाता है। ठीक है इसके लिए एक रूल इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉर्ड मास। ठीक है ये रूल इस्तेमाल होता है, ये मैथ जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनको पता होगा, ये प्राइमरी क्लासेस में ही पढ़ा दिया जाता है। जिनको नहीं भी पता मैं समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये होता है पहले ब्रैकेट ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, सही है। सबसे पहले जो ब्रैकेट, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है मिसाल के तौर पर ये ब्रैकेट के अंदर अगर है 2 + 5 तो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। अभी हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है, अभी ब्रैकेट को छोड़ देते हैं। ठीक है ब्रैकेट हमारे पास है नहीं, ब्रैकेट ऑर्डर हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। उसके बाद किया जाएगा डिवाइड, उसके बाद किया जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ये सीक्वेंस होगा। तो अगर हम इस बॉर्ड मास के रूल को फॉलो करें तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम पहले होगा। तो 5 + 2 = 5 × 2 हो गया 10 और + 2 हो गया 12। ठीक है दैट सिंपल। अब ये भाई इस तरफ हो या उस तरफ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहीं पर भी होगा ना। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये राइट पे हो लेफ्ट पे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 12 ही रहेगा इसका। ठीक है तो या चलो कुछ और हम इसको बना के देखते हैं, थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ कर देते हैं। और मैंने कहा भाई कि हम 12 + 4 / 3 − 2। अब इसमें बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें, डिवाइड उसके बाद होगा, तो पहले ये इतना काम पहले किया जाएगा डिवाइड वाला काम, सही है। तो 4 / 3 अगर हम करते हैं तो क्या होता है। अच्छा इसको मैं थोड़ा नंबर चेंज कर देता हूँ ताकि वो इवन आंसर आए, वो पॉइंट्स में ना चला जाए। ठीक है 4 / 2 कर दिया मैंने, तो 4 / 2 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है 4 / 2 = 2 हो गया। अच्छा ये अब हो गया, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो है नहीं, एडिशन होगा, एडिशन मतलब 14, ये हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, 14 + 2 = 16। ठीक है कंट्रोल जेड करके मैं वापस लाता हूँ और फिर देखते हैं कि 16 ही आया कि प्रिंट होता है या नहीं होता। ठीक है तो इसका आंसर 16 आना चाहिए इस मैथ एक्सप्रेशन का, अकॉर्डिंग टू द बॉर्ड मास रूल। ठीक है अकॉर्डिंग टू द बॉर्ड मास रूल, रिफ्रेश किया मैंने 12 आ गया। ये क्या हुआ यार, लास्ट वाला माइनस था, मैंने उसको भी प्लस कर दिया था, सही कहा तुमने। ठीक है तो 4 / 2 = 2, उसके बाद ये हो गया 14 और ये 16 नहीं हुआ, ये वापस 12 हुआ क्योंकि माइनस था ये, मैंने उसको भी लास्ट वाले को भी प्लस कर दिया था मैंने। ठीक है अच्छा लेकिन अगर मैं इसको सीक्वेंस में करता हूँ ना, मतलब शुरू से करता हूँ तो फिर तो आंसर ज़ाहिर है गलत आएगा। बॉर्ड मास के रूल के हिसाब से करूँगा तो सही आएगा, लेकिन अगर मैं इस तरफ से करता हूँ। अच्छा बाय द वे ये बॉर्ड मास का रूल ना हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कंप्यूटर में पहले से फिट हुआ हुआ है। आप कुछ भी लिखोगे ना कंप्यूटर उसको बॉर्ड मास के रूल के हिसाब से करेगा, लेकिन मैं समझा रहा इसलिए हूँ ताकि आपको भी पता हो कि अच्छा ये हो कैसे रहा है अंदर। तो अगर सीक्वेंस से मैं करूँ तो क्या हुआ, 12 + 4 ये हो गया 16, अब 16 / 2 हो गया 8 और 8 - 2 हो गया 6। अब मैं सीक्वेंस से करता हूँ तो आंसर आ जाता है 6, हालांकि आंसर इसका 6 नहीं है, इसका आंसर क्या है 12 है, जो हमने अभी करके भी देखा। ठीक है इसका आंसर 12 आ गया हमारे पास।
तो कभी भी कोई मैथ एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा तो उसको हमें समझना कैसे है, या कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा? कंप्यूटर उसको बॉर्ड मास के रूल के हिसाब से समझेगा, क्योंकि ये मैथ के एक्सप्रेशन है तो रूल भी इसमें मैथ वाले लगेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने देख लिया, ये समझ में आ गया सब लोगों को कि भाई मैथ के जो रूल कैसे अप्लाई होते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई काम पहले करवाना है बाई फोर्स कोई काम अगर आपको पहले करवाना है तो आप क्या करेंगे? उसको ब्रैकेट में आप पैक कर देंगे। ठीक है, जो काम आपको पहले कराना है उसको ब्रैकेट में कर देंगे आप। ठीक है, फिर आपने बोला कि यार इसको करो, तो अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, इसका रिजल्ट अब मुख्तलिफ आएगा। अब पहले क्या करेगा ये, पहले 12 प्लस 4 करेगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 करेगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सारी ब्रैकेट्स को ये करेगा, उसके बाद ये डिवाइड जब करेगा ना, तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 4 होता है, 4। तो अब इसका आंसर आएगा 4। कंट्रोल जेड करके चला के देखते हैं, अब इसका आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए हैं, मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है ब्रैकेट के ज़रिए। अब देखते हैं इसका आंसर 4 आता है या नहीं आता। वो इन्फिनिटी व्हाट दैट सर, 2 माइनस 2। हाँ, 2 माइनस 2 है ना ये, तो ये 0 हो गया, तो डिवाइड बाई 0 हो जा रहा है। चलो इसको प्लस कर देते हैं ना। माइनस को मैं हर दफ़ा प्लस पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो असल में कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, या एरर आ जाता है, तो इस वजह से ये एरर आया था। तो मैंने उसको प्लस किया था तो मैंने साइन भी प्लस का ही कर दिया। रिफ्रेश, आंसर 4 आ गया। सही आंसर हमारा बिल्कुल सही आया जैसा हम सोच रहे थे। तो ये हमने देख लिया, दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेटिंग ambiguity। ठीक है, ambiguity की स्पेलिंग मैंने कुछ गड़बड़ की है। फिक्स्ड प्रॉब्लम, सही है, ये ambiguity की सर स्पेलिंग है। ठीक है, eliminating ambiguity के नाम से ही जो आपका चैप्टर है ना, ये वाला, इसके अंदर इसने यही बात सिखाई है कि भाई किसी भी चीज़ पे अगर आप ब्रैकेट लगा देते हो ना तो वो काम पहले होता है फिर। ठीक है, और अदरवाइज़ वो बॉर्ड मास का रूल फॉलो करता है। अब हमारे पास आज के दिन की जो आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे, वो हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ एक्सप्रेशन के अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। मैथ एक्सप्रेशन के अंदर जो अनफेमिलियर ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जो सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे आपको आम जिंदगी में देखने के लिए वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। ठीक है, एक तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दिखा था, वो तो फेमिलियर था। उसके अलावा हमने बॉर्ड मास का रूल देख लिया, ये भी फेमिलियर था। अब अनफेमिलियर कुछ ऑपरेटर्स हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। अनफेमिलियर जो चीज़ें हैं हमारे पास, हम वो देखने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले कहा मैंने लेट नम वन इक्वल्स टू 5, लेट नम टू इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए ताकि मैं उन पर ऑपरेट कर सकूँ। नंबर एक जो है वो क्या है ऑपरेटर, वो है कि लेट आर ई रिजल्ट इक्वल टू नम वन मॉड्यूलस नम टू। अब ये जो मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर दिस इज कॉल्ड, इसकी स्पेलिंग क्या मैंने गलत लिखी है, मॉड्यूलस की स्पेलिंग जो है ना वो ये होती है। ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं इसको मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, असल में करता ये डिवाइड है। ठीक है, नम वन जो है इस वक्त 5 है वो, ठीक है, नम टू को चलो मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 15 कर देता हूँ और 2। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया नंबर को ताकि समझ में अच्छे से आए इस वजह से। अच्छा, नम वन को नम टू से ये असल में करता है डिवाइड। ठीक है, अच्छा, नम वन को नम टू से अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा? अगर 15 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए?
7.5 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, अगर यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर होता ना तो वो क्या करता, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ लाइन को, अगर यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर होता तो ये मुझे रिटर्न करता 7.5, ठीक है। लेकिन जो मॉड्यूलस का ऑपरेटर है ना वो मुझे क्या करता है, वो इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर बचेगा ना वो मुझे देता है, ठीक है। रिमाइंडर सब लोगों को पता है, डिवाइड करते हुए रिमाइंडर जो आता है, अगर मैं 15 को दो जगह डिवाइड करता हूँ तो एक तो 7.5 है ना जो नॉन रियलिस्टिक नंबर है, नॉन रियलिस्टिक नंबर है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 15 मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और मैं वो दो लोगों को देना चाहता हूँ तो 7.5 तो नहीं कर सकता ना मैं एक बंदे को 7 दूंगा, दूसरे को 7 दूंगा, अब वो एक रह जाएगा आखिर में, ठीक है। अब एक को मैं बीच से काट के नहीं दे सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो जो एक रिमाइंडर बचा है ना, ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर मुझे वो एक रिटर्न करता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास 5 बॉटल्स हैं, ठीक है, 5 बॉटल्स हैं और वो मुझे दो लोगों को देनी है, ठीक है, तो मैं कैसे दूंगा, मैं एक को दो दे दूंगा, दूसरे को दो दे दूंगा, बाकी आखिर में एक बच जाएगा। तो वो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि 5/2 यानी मॉड्यूलस 2, तो मुझे वो रिमाइंडर एक बचा हुआ वो दे देगा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास 6 बोतलें हैं, 6 बॉटल्स, और मुझे वो 3 लोगों को देनी है, 3 लोगों में डिवाइड करनी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 6 बोतलें हैं मेरे पास और मुझे 3 लोगों को देनी है, ठीक है, 6 मॉड्यूलस 3 यानी 6/3 करके जो रिमाइंडर बचता है, तो 6 बोतलें 3 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ये मुझे रिटर्न करेगा 0। गॉट इट? तो अभी इस केस में इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, रिजल्ट में 0 आना चाहिए। मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ रिजल्ट को, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, रिजल्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ 0 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर ये 6 की जगह 7 बोतलें होती, ठीक है, रिफ्रेश, तो फिर मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक है, फिर मुझे रिमाइंडर 1 मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर का ऑपरेटर है, इसको रिमाइंडर का ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप, या इसको आप प्रोग्रामिंग के अंदर इसका नाम है मॉड्यूलस, ठीक है, प्रोग्रामिंग में इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। अच्छा, ये मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर है ये तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। इसी तरीके से जो ये मैथ के ऑपरेटर है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड, ये भी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है ये चारों ऑपरेटर, ठीक है। उसके अलावा जो बॉर्ड मास का जो रूल है ये भी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी तरह फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैथ को चेंज नहीं करती प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो मैथ है वो मैथ रहेगी, प्रोग्रामिंग का काम मैथ को चेंज करना नहीं है। तो बॉर्ड मास का भी रूल इसी तरह फॉलो होता है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अच्छा, और हमारे पास 2 हैं अनफेमिलियर ऑपरेटर, ये प्लस प्लस एक है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वाईन सलाम जी। अगर मॉड्यूलस की जो नंबर है ना, पहले नंबर हाँ लेस देन हो दूसरे नंबर से, इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? अच्छा, ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा यार, करके देखते हैं। मैंने कहा कि कॉन्सोल पे चला जाता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने बोला, एक तो मैंने बोला कि 6 को मैंने डिवाइड करना है 3 लोगों में, एक तो मैंने ये बोला। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर पहला नंबर माइनस में होगा तो क्या होगा, पहला नंबर माइनस में होगा तो क्या होगा। तो मेरा ये सवाल है कि मैं मॉड्यूलस हटा देता हूँ ना, डिवाइड लगा देता हूँ, माइनस 6 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 जगह तो क्या आंसर आना चाहिए? माइनस टू आना चाहिए। थ्री को पहले लगा दूं, 6 को बाद में लगाऊं? नहीं सर, 3 को पहले लगाने, बाद में मॉड्यूलस 3 मॉड्यूलस 6 करेगा तो क्या होगा? नहीं देखें, आपने तो ये कहा था ना कि ये 7, जैसे मैंने कहा कि 7 बॉटल्स है मेरे पास, उसको मुझे 3 लोगों को देना है, तो आपने ये कहा था कि अगर 7 की जगह 7 छोटा हो जाए वैल्यू और ये 3 बड़ी हो जाए वैल्यू। ठीक है, आपने यही कहा था ना कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 7 बोतलें नहीं हैं, मेरे पास 3 बोतलें हैं अगर,
तो तीन लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, लेकिन मिसाल के तौर पर मेरे पास दो बोतलें हैं और वो दो को मुझे तीन से डिवाइड करना है तो क्या होगा? ठीक है, दो को मुझे क्या करना है, तीन से डिवाइड करना है तो क्या होगा? तो पहले हम करते हैं कि दो को जब मैं तीन से, मॉड्यूलस तो हम बाद में देखेंगे ना, अगर मैं डिवाइड करता हूँ सिंपल डिवाइड तो इसमें क्या आंसर आएगा? दो को अगर मैं तीन जगह डिवाइड कर देता हूँ तो सिंपल डिविजन का आंसर क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा ऑफकोर्स, करके देखते हैं। दो डिवाइड तीन, 0.666 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 0.6 इसका आंसर आ गया। तो हमने ये देखा है कि मॉड्यूलस का ऑपरेटर जो है ना वो पॉइंट वाले पे डिवाइड नहीं करता। ठीक है, मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर है वो पॉइंट वाले तक जाता नहीं है, वो रियलिस्टिक डिवीजन करता है, और रियलिस्टिक डिवीजन करने के बाद जो बच जाता है वो कर रहा होता है। ठीक है, तो टू को थ्री जगह डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एज अ रिमाइंडर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड कर ही नहीं सकते इसको, आप एक दफ़ा भी नहीं कर सकते, तो ये देखो पूरा का पूरा रिमाइंडर के तौर पर रिटर्न हो गया। सही है, टू था ना, दो बोतलें थी, तीन लोगों में डिवाइड करना था, तो दो बोतल तीन लोगों में डिवाइड हो ही नहीं सकती, पॉइंट्स में आंसर आएगा रियलिस्टिक डिविजन नहीं हो सकता, तो वो पूरा दो ऐसे ही रिटर्न कर दिया, उसने बोला ये दोनों रिमाइंडर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, रिमाइंडर है ये दोनों। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। 35 है अगर, और 35 को तीन लोगों में डिवाइड करना है, या चलो कुछ इसको बेहतर करते हैं कुछ, हाँ 35 को तीन लोगों में डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 35 को तीन लोगों में डिवाइड चाहिए, टू नहीं आना चाहिए इसका आंसर, टू कैसे आना चाहिए यार? हाँ, तो पहले हम इसको डिवीजन करके, डिवीजन से सोचना पड़ेगा हमें कि 35 को अगर हम डिवाइड करते हैं तीन जगह तो इसका आंसर क्या आता है? 35 डिवाइड 3, तो इसका आंसर आता है 11.6। ठीक है, तो पॉइंट तो नहीं हो सकता, 0.6 तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो 11 होगा, 11 लोगों में डिवाइड हो सकता है ये 35 जो है ना, अगर तीन लोगों में डिवाइड करता हूँ मैं तो 11 एक के हिस्से में आएगा, तो 11 एक के हिस्से में आने का मतलब है 33 तो चला गया, बाकी बचा दो, तो ये इसका अगर मॉड्यूलस लगाता हूँ तो इसमें मुझे आंसर मिलेगा 2। ठीक है, इसमें मॉड्यूलस में इसका आंसर मुझे 2 मिलना चाहिए, तो मुझे इसका आंसर 2 मिला। ठीक है, अच्छा मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिसमें मुझे ना बड़ा नंबर मिले, मैं कुछ ऐसी चीज़ सोच रहा हूँ जिसमें मुझे बड़ा नंबर मिले, या मिसाल के तौर पर इसको मैंने बोला 2 से डिवाइड करना है, नहीं यार 2 से डिवाइड में भी बड़ा नंबर नहीं आएगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ सोच रहा हूँ जिसमें मुझे बड़ा नंबर मिले। सर जो आप वो माइनस वाला कर रहे थे ना, वो करके दिखा देंगे, अगर शुरू का नंबर माइनस में हो तो तब क्या होगा? हाँ, शुरू का नंबर देखो अगर माइनस में होगा, -6 मॉड्यूलस 2। ठीक है, -6 मॉड्यूलस की जगह अगर डिवाइड होता तो क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, उससे हमें समझ में आएगा, -6 के आगे डिवाइड, सिंपल डिवाइड अगर लगा हुआ है तो ये क्या आंसर देता मुझे? ठीक है, मुझे -3 इसने आंसर दे दिया। देखो इस आंसर में कोई पॉइंट नहीं आया, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वली डिवाइड होने वाले नंबर हैं सारे, ये क्या है, इक्वली डिवाइड होने वाले नंबर है, तो अगर इसमें मैं मॉड्यूलस लगाता हूँ ना तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? 0, क्योंकि इक्वली डिवाइड होने वाले नंबर हैं ये नंबर दोनों इक्वली डिवाइड हो गए। ठीक है, वो कैसे हुए वो मैथ का इशू है, वो अगर मतलब अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि ये कैसे इक्वली डिवाइड हो गए। ठीक है, माइनस में तो क्या हुआ है, तो 6 ना, 6 डिवाइड बाई 2 3 आंसर आएगा, पॉइंट में कोई आंसर नहीं है, तो ये मुझे क्या देगा, ये 0 रिटर्न करेगा, ज़ीरो रिटर्न करेगा, ये देखो 0 आ गया। अच्छा वो 0 माइनस में आया लेकिन 0 आया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर माइनस मेरे पास 7 होता तो अब मुझे क्या आंसर मिलेगा, क्योंकि 7 2 से डिवाइड इक्वली नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 इसका रिमाइंडर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें इसको, सिंपल डिवीजन पहले इसमें लगा के देखा मैंने, 3.5 आंसर आ गया, तो पॉइंट को अगर हटा दूं मैं, 3 रखूं अगर, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 रिमाइंडर मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 1 मुझे रिमाइंडर मिल गया, 1 माइनस में मिला ऑफ कोर्स, क्योंकि वैल्यू माइनस की थी। अच्छा होपफुली ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अच्छा अब हम देखते हैं कि यार एक और आखिरी ऑपरेटर है हमारे पास, मैंने कहा भाई लेट नम 1 इक्वल टू 2। अच्छा अब मुझे अगर इस नम 1 के अंदर एक इंक्रीमेंट करना है, 1 प्लस करना है अगर मुझे,
मैं ये चाहता हूँ कि इस नंबर में इस वक्त जो भी है, इस वक्त इस वेरिएबल के अंदर जो भी है उसमें वन प्लस हो जाए, तो इसका क्या तरीका है मेरे पास? मैं एक तो ये काम कर सकता हूँ, नम वन लिखा मैंने, मैंने कहा नम वन इक्वल्स टू नम वन प्लस वन, ठीक है? तो जाहिर है एक्सप्रेशन को इस तरफ से रीड किया जाता, तो नम वन में क्या था, पहले टू था और प्लस वन हो गया, तो ये मैथ एक्सप्रेशन है असल में ये, और ये मैथ एक्सप्रेशन इवेल्यूएट किस पे होगी, थ्री पे इवेल्यूएट होगी, तो नम वन में थ्री चला जाएगा, पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी इसमें से, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक और प्लस करना है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, मैं यही काम रिपीट कर दूँगा, ठीक है? तो अब नम वन में क्या चला गया, एक और प्लस हो गया, मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ, देखते हैं कंसोल करवा के, नम वन भाई ये कौन आवाज़ें निकाल रहा है लड़कों की क्लास है यहाँ पे, ऐसी आवाज़ें नहीं निकालो, ख़तरनाक है अच्छा तो भाई ये हमने क्या किया, नम में टू मौजूद था, मैंने यहाँ पे एक प्लस किया तो ये थ्री हो गया इस पॉइंट पर, और फिर मैंने एक दफ़ा और प्लस किया तो इस पॉइंट पे ये फोर हो गया, और यहाँ पे जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये फोर बन गया, ठीक है? अच्छा, इस काम को करने का एक शॉर्टकट भी मौजूद है जावास्क्रिप्ट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड नम वन प्लस प्लस, ठीक है? नम वन के आगे जब आप प्लस प्लस का ऑपरेटर लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? तो मैंने ये दो दफ़ा प्लस प्लस लगाया तो ये वही काम हो गया जो ये इतना लंबा लिख के होता था ना, ये उसी का शॉर्टकट है। तो जैसे पहले टू मौजूद था इसके अंदर, मैंने प्लस प्लस लगाया तो ये बन गया थ्री, फिर मैंने एक दफ़ा और प्लस प्लस लगाया तो ये बन गया फोर, और यहाँ पे फोर प्रिंट हो जाना चाहिए, करके देखते हैं, ठीक है? फोर प्रिंट हो गया, ठीक है जी? तो प्लस प्लस का हमने ऑपरेटर पढ़ लिया, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से इसमें ना प्लस प्लस के अलावा माइनस माइनस भी है, अगर मुझे नम के अंदर जो भी कुछ है अगर उसके अंदर माइनस करवाना है, वन माइनस करवाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा नम वन माइनस माइनस, तो उसमें दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये उसको क्या कर देगा, फोर हुआ था ना जो, उसको वापस थ्री कर देगा, एक कम कर देगा उसमें से, चला के देखते हैं, थ्री हो जाना चाहिए अब इसको, ठीक है? यहाँ पर आंसर अब थ्री हो गया, यहाँ पर आंसर थ्री हो गया। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आया, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग के अलावा किसी जगह आपको ये ऑपरेटर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है? ये अनफेमिलियर ऑपरेटर है, एक नॉर्मल बंदे के लिए ये अनफेमिलियर है, उसको इसका पता नहीं होता, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा ये नहीं नज़र आएंगे आपको कहीं पर भी। ये समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है? तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, हम अपने टाइम से थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए हैं आधा घंटा, तो फिर मुलाकात रहेगी आपसे सब लोगों से अगली क्लास में। सर रिकॉर्डिंग, हाँ मैं शेयर करता हूँ, हाँ मैं शेयर करूँगा। अगर वही जो प्लस प्लस है वही अगर हम नम से पहले लगा दें तब भी यही रिजल्ट होगा, सेम जी जी, जब भी यही रिजल्ट होगा। अच्छा, वो पहले जो लगा देना वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कवर करेंगे, ये आगे की जगह जो है ना ये पीछे भी लगाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है? हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं, अब नम 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 नम, वो मैं अभी इसे बता देता हूँ मैंने क्या पढ़ाना है अगली क्लास में। सर अटेंडेंस, एंड अटेंडेंस, एक मिनट, प्रेसिडेंस, ठीक है? दो चीज़ें मैंने पढ़ानी है, रिटर्न वैल्यू और प्रेसिडेंस, ये मैंने अगली क्लास में ये चीज़ पढ़ानी है, राइट? ये मैंने अभी से यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें याद रहे, ठीक है? अटेंडेंस हो चुकी है भाई, आप अगर अभी आए हैं क्लास में तो आपको बताता चलूँ कि अटेंडेंस हो गई, ठीक है जी? चलो फिर मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। अच्छा, जो मैंने आज चीज़ें करवाई हैं ना सारी, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अपने हाथ से, इसको एक एक दफ़ा चला के देख लेना, और जिन लोगों ने बुक नहीं पढ़ी है अभी तक वो काइंडली बुक रीड ज़रूर कर लेना एक दफ़ा, ठीक है? ये जो बुक, ये जो है ना ये वाली आपकी, ये बुक सब लोगों के पास मौजूद है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो मांग लेना, ठीक है? इसके जो चार चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि पढ़ने के लिए, वो चारों चैप्टर अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लेना, ठीक है? और इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद चार चैप्टर इसके पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ के आना है आपने, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि भाई अगर आप पहले से ये चैप्टर्स पढ़ कर आएंगे तो मेरी बात आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगी, और मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो बुक में नहीं लिखी हुई है,
मैं बुक से एक स्टेप आगे की चीज़ आपको बताऊंगा जो मार्केट में अभी इस वक्त चल रही है, जो राइट नाउ मार्केट में जो काम हो रहा है मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है? तो बुक में जो चीज़ लिखी हुई है वो भी ज़रूरी है, वो बेस है, वो बेसिक है। और मैं आपको बुक से कहीं आगे की बातें बता सकता हूँ, बुक से बहुत आगे आपको मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वही काम मैं खुद कर भी रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो बुक में आज से 2 साल बाद भी शायद आपको ना मिले, ठीक है? ये नई चीज़ें ज़ाहिर है, बुक तक पहुँचते पहुँचते चीज़ों को बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो आप सबका कोऑपरेशन चाहिए मुझे। प्लीज़ अगली क्लास में जब आइएगा तो अगले 4 चैप्टर जो आज हम पढ़ चुके हैं ना, 4, उसके अलावा जो अगले 4 चैप्टर हैं वो प्लीज़ आप लोग पढ़ कर आइएगा, ताकि हम क्लास को अपने सीनियर क्लास है हमारी, तो हम अपनी क्लास को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, ठीक है जी? ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।